इसके तल से यहाँ पे टकरा रहा है, और टकरा करके क्या कर रही है, किरण प्रथम माध्यम में वापस चली जा रही है। ये मान लीजिए इस तरह यहाँ से इस तरह काट लेंगे। अब इसको कलई, पहला है दर्पण का ध्रुव, दूसरा है वक्रता केंद्र, तीसरा है वक्रता त्रिज्या, चौथा है मुख्य अक्ष। ये क्या है, ये है आपका मुख्य फोकस है ना, और ये है मुख्य अक्ष। अब इसी के अभिलंबवत बोल रहा है, अभिलंबवत क्या होता है, ऊपर ऊपर के भाग अभिलंब। हेलो दोस्तों, हमारे स्मॉल क्लासेस आरके2 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, गोली दर्पण तथा गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो ये लाइट सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है। यदि फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, और जब भी जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करिएगा, है ना, मैं उसको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक तल। वो क्या कहलाता है, परावर्तक तल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आगे यहाँ से क्या हो रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से होकर जा रहा है ना, यहाँ से जा रहा है, जाते हुए क्या कर रहा है, दूसरा ये जो माध्यम है नीचे मिरर, और इस पर क्या कर रहा है, टकरा रहा है दूसरे माध्यम के तल से। यहाँ पे पीछे है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समांग माध्यम से, मतलब जो पहला माध्यम था, चल करके दूसरे माध्यम के तल से, ये जो तल है यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है, ये जो तल है, ये दर्पण है, ये क्या दूसरा माध्यम है, इसके तल से यहाँ पे टकरा रहा है, और टकरा करके क्या कर रही है, किरण प्रथम माध्यम में वापस चली जा रही है। ये जो क्रिया है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, और जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो टकरा करके वापस चली जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, अब ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब जानते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम दो प्रकार के हैं। एक ध्यान से सुनिएगा, पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक, और दूसरा है, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये तो हो गया नियम। अब जानते हैं गोली दर्पण। ठीक, अब गोली दर्पण क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए गोली दर्पण को समझने से पहले आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, कांच है, एक गोलाकार बल्ब, अब जो 100 वाट का आता है आप देखे ही होंगे, तो इसको पहले देख लीजिए ना, क्योंकि गोली दर्पण इसी से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट है ना। देखिए अब ध्यान से, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले की पृष्ठ का एक भाग होते हैं, वही जो बल्ब वाला दिखाए थे ये वाला, ये क्या होता है, एक जिसे गोली है, गोल आकार का एक कांच है, खोखला होता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। किसी गोले का पृष्ठ क्या कहलाता है, गोली पृष्ठ कहलाता है, और खोखले गोले के किसी खंड के दोनों पृष्ठ गोली पृष्ठ होते हैं। इनमें से एक उभरा हुआ होता है, वो क्या होता है, उत्तल, और दूसरा क्या होता है, दबा हुआ होता है, वो क्या होता है, अवतल होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या किया जाता है, ये कांच है, इसी का के एक दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण एक इसी का एक भाग होता है कटा हुआ, तो मान लीजिए ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे एक कटा हुआ है ना, इसी को क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। ठीक, अब ये तो हो गया गोली दर्पण। तो अब जानते हैं गोली दर्पण कितने तरह के होते हैं, है ना। देखिए गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो अब देखिए अवतल दर्पण क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। अब एक बार इसको समझने से पहले अवतल दर्पण को यहाँ पीछे आइए, जो ये कांच बता रहा था, ये
जो बल्ब वाला है ना, इसका एक भाग मान लीजिए इस तरह, यहाँ से इस तरह काट लेंगे। अब इसको कलई आगे देखिए, है ना, क्या है अवतल दर्पण। यदि गोली खंड के पृष्ठ पर पालिश या कलई इस प्रकार की जाए ताकि इसके अवतल पृष्ठ से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, है ना। अवतल पृष्ठ किस प्रकार होगा, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, है ना। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये क्या है, ये है अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण में क्या पालिश कहाँ हो रहा है, बाहर बाहर हो रहा है, ताकि ये दबे हुए बाहर पीछे था ना, कि दबे हुए भाग को क्या कहते हैं, अवतल ना, तो ताकि परावर्तन किस भाग से हो, ये दबे हुए भाग से हो। तो क्या हो जाएगा, देखिए कलई किया हुआ तल है ना, ये बाहर कलई किया हुआ है या पॉलिश किया हुआ है, और ये जो अंदर वाला है क्या है, दबा हुआ भाग है, इससे क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन होता है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, है ना। अब यहाँ पे जैसे बल्ब है, इसको क्या काटेंगे, तो ये बाहर से अगर पॉलिश कर देंगे या कलई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये तो हो गया अवतल दर्पण, है ना। अब समझते हैं उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यदि गोली खंड के पृष्ठ पर पालिश या कलई इस प्रकार की जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, ठीक है, तो इस प्रकार के बने दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए पहले आगे, अब क्या हो रहा है, वहां पर पीछे दिखाए थे आपको, देख लीजिए। अब इसी कांच को जैसे यहाँ से काटे, यहाँ पे पहले देख लीजिए ये क्या है, उत्तल दर्पण, है ना, ये उत्तल दर्पण। तो अब यहाँ पे देखिए कलई किस प्रकार हुआ है, अंदर भाग यहाँ पे कलई हो गया है। अब इसे ये जो कांच है ना, इसको इस तरह क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए काट ले रहे हैं ना, तो पालिश अब इसके अनुसार, ये जो उत्तल दर्पण है इसके अनुसार क्या होना चाहिए, अंदर अंदर होगा, ताकि ये जो उभरा हुआ ऊपर निकला हुआ है, इससे क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये तो हो गया उत्तल दर्पण, क्या क्या जाने, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये तो हो गए प्रकार, है ना। अब यहाँ पे एक बार और देख लीजिए पहले ये, अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे परावर्तन कैसे हो रहा है, ये उभरे हुए भाग से हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, और यहाँ पे दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है, और ये उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो ये क्या है, उत्तल दर्पण। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दबे हुए भाग से हो रहा है प्रकाश का परावर्तन, तो यह अवतल दर्पण है, और इसमें क्या हो रहा है कि उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो इसलिए क्या है, ये उत्तल दर्पण। ठीक है, ये तो हो गया आपका गोली दर्पण के प्रकार। अब समझते हैं गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक, तो अब देखिए कौन कौन से पॉइंट आते हैं, पहले सभी को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है दर्पण का ध्रुव, दूसरा है वक्रता केंद्र, तीसरा है वक्रता त्रिज्या, चौथा है मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस अथवा फोकस, फोकस दूरी तथा फोकस तल। ये तो हो गए सारे पॉइंट। अब एक एक के बारे में डिटेल समझते हैं। दर्पण का ध्रुव जानने से पहले इस चित्र को देखिए, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि दबे हुए भाग से हो रहा है क्या, प्रकाश का परावर्तन, तो इसका जो केंद्र होगा, फोकस दूरी होगी, कहाँ होगा, अंदर की तरफ, ये ध्यान रहेगा हमेशा। ठीक है, रहना भी चाहिए। देखिए इसमें, देखिए ये क्या है उत्तल, इसमें क्या है, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो रहा है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या अंदर होगी, वक्रता केंद्र भी अंदर होगा, है ना। अब क्या था, वहां पे दर्पण का ध्रुव था, है ना, तो इसको देखिए क्या है, दर्पण का ध्रुव गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप एक बार इमेज देखिएगा, यहाँ पर ये क्या है, ये परावर्तक तल है, ये जो यहाँ पे जो बिंदु है ये, है ना, इसको क्या कहते हैं, परावर्तक तल, ये जो यहाँ टकरा करके प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना, तो इसी बिंदु को, इसी बिंदु के मध्य बिंदु को, इसी तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। ठीक, पहला क्या है, दर्पण का ध्रुव, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला है वक्रता केंद्र। एक बार देखिए परिभाषा को देख लीजिए क्या है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं। अब इसको एक बार चित्र में देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि
अब यहाँ पे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कहाँ हो रहा है? दूसरा क्या था, वक्रता केंद्र, है ना? तो वक्रता केंद्र कहाँ है? वक्रता केंद्र ये है, क्या है, इस जो जो कांच है, कांच का खोखला जो इस तरह जाएगा, एक गोला का, तो ये जो गोला है, गोले के अंदर जो केंद्र रहेगा उसका, उसी केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे ये क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक, अब इस तरह पूरा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक इस तरह तो सर्कल दिख रहा है, लेकिन एक एक तरह का क्या होता है, गोला। ठीक, और इसी तरह उत्तल दर्पण में भी होता है, ये अंदर के भाग में होता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन बाहर से होता है, लेकिन वक्रता केंद्र कहाँ है, यहाँ पर है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, और अगला है वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या क्या है, अब इसको समझिए, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोली दर्पण की त्रिज्या कहलाती है या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या है इसको समझिए, पहले चित्र में जिस गोली दर्पण का कटा हुआ जो भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये जो ये त्रिज्या है ध्रुव, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हो गया। अब मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की परिभाषा पहले देख लीजिए क्या है, ये दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कह रहे हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या हो रहा है कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र यहाँ है, ध्रुव यहाँ है, तो अब यहाँ से होकर जाने वाली, इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पर देखिए, इसमें वक्रता केंद्र ये है और ध्रुव यहाँ पे है, तो इससे होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। और इसमें अवतल दर्पण में देखिए, यहाँ से क्या हो रही है, ये केंद्र है और ध्रुव से होती हुई जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका मुख्य अक्ष। आगे समझते हैं फोकस या मुख्य फोकस। ठीक, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष की समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें जब जा रही हैं परावर्तन के पश्चात, ये कहाँ से इसमें क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है मुख्य फोकस से, ये जो जहाँ से आती हुई क्या हो रही है, ये प्रतीत हो रही है ना, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, इस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। ये किस दर्पण की बात हो रही है, ये उत्तल दर्पण की बात हो रही है ना, ये हो गया मुख्य फोकस, इसमें प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है ना, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही किरणें यहाँ पे परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, यहाँ जो मुख्य फोकस है यहाँ से होकर जा रही है ना, तो इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ये ध्यान रहे हमेशा। ठीक, अब ये हो गया मुख्य फोकस। आगे देखिए फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, एक बार देखिए, गोली दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी, किसके किसके बीच में, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस। अब यहाँ पे इमेज में देखिए, दर्पण का ध्रुव ये है, ठीक, और मुख्य फोकस ये है, इसके बीच की दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ठीक, अब ये तो हो गया उत्तल दर्पण। अब अवतल में देख लीजिए, ये क्या है, मुख्य फोकस और यहाँ पे ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव, इनके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, ये तो हो गया फोकस दूरी, अब समझते हैं फोकस तल। पहले देखिए डिफिनेशन क्या है, यहाँ पे मुख्य फोकस के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत और मुख्य से गुजरने वाले समतल को क्या कह रहे हैं, दर्पण का फोकस तल। तो यहाँ पे एक बार इमेज में देखिएगा, ये क्या है, ये है आपका मुख्य फोकस है ना, और ये है मुख्य अक्ष। अब इसी के अभिलंबवत बोल रहा है, अभिलंबवत क्या होता है, ऊपर ऊपर के भाग, अभिलंबवत मतलब यहाँ जो ऊपर होता है ये वाला भाग, ये मुख्य अक्ष के ऊपर ये वाला समतल जो है, इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे फोकस तल। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक रहेगा गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, दूसरा वस्तु तथा प्रतिबिंब और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया या इस वीडियो से कोई हेल्प हुआ और आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।